अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। संबीत विद लाइफ स्टाइल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो आज हम बना रहे हैं मछली का सालन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए इस रेसिपी की तरफ चलते हैं ना। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, हाफ के जी हमारी, आधा किलो हमारी मछली है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा कप दही है, 1 अदर टमाटर है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जीरा है, आधा चम्मच हल्दी है और 1 टेबल स्पून 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची है और थोड़ा सा हमने नमक लेना है क्योंकि मछली में पहले ही नमक होता है तो हमने कम डालना है ना। मछली को हमने धो के पहले ही रख लिया था। 1 चम्मच तकरीबन हमने, 1 से 1.5 चम्मच हमने हरी मिर्च को कूटा है थोड़ा सा ना, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, ये हरा धनिया है और ये गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये 2 चम्मच हमने लिए है कसूरी मेथी है। चले चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमने ऑयल अपना गरम करने के लिए रख दिया था तो इसमें हमने डाल दिए हैं जो हमने बारीक कट प्याज कटी हुई थी, उसको तेल में डालना है और प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्के हल्के सोते कर लेना है, नरम कर लेना है। प्याज को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक हमने पका लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने फिर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना ताकि अदरक लहसुन की खुशबू ना आए इसमें से ना, महक ना आए ना। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के साथ हमने ऐड कर लिए हैं कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, हल्दी और पिसी हुई मिर्च का पाउडर और नमक और हरी मिर्च। अब हमने इसको 5 मिनट तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है जब तक इसका मसाला अच्छी तरह ना भूल जाए ना। इसमें हमने 2 घूंट का पानी लेकर इसमें डालना है, ये मसाला जलने ना पाए बस ना। हमने इसमें 5 मिनट ढक्कन ढककर पका लेना है। आंच हमने नॉर्मल रखनी है। पांच मिनट पकाने के बाद हमने इसमें दही ऐड कर लेनी है। अच्छी तरह मसाला भुनने तक इसको पका लेना है। ये 10 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाया है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें मछली के पीस डालेंगे इस तरह से। ये मछली के पीस हमने डाल दिए। अब तकरीबन हमने इसको हल्की आंच पे 2 मिनट तक पकाना है और फिर इसको वापसी पलट देना है दूसरे साइड से ना। अब 2 मिनट बाद हमने थोड़ा प्यार के साथ मछली के पीसों को पलट देना है।
से हमने एक प्याली पानी ऐड किया है। अभी इसे हम 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको चमचा नहीं चलाना है, इस तरह ढक कर रख देना है ना। 10 से 12 मिनट दम पे रखने के बाद हमने इसको ढककर ढक के देखा। तो ये हमारी मछली तैयार है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और कसूरी मेथी। ये हो गया हमारा मछली का सालन बिल्कुल रेडी। ये देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं टूटी मछली ना। इसमें हमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, ये बिल्कुल सही रहेगी इस तरह से ना। ये हमारा फिश का सालन बिल्कुल रेडी है। आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ना। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।